आज सुबह एक पत्रकार नगर थानाध्यक्ष के द्वारा सूचना प्राप्त सूचना दी गई है कि तीन लड़के एक बलेनो कार में उन्होंने संदिग्ध देखते हुए उनको जो है पूछताछ के क्रम में पता चला था कि इनके पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं और रिकॉर्ड्स अपने आप में दिखने से ऐसा पता चल रहा था कि रिकॉर्ड्स जो हैं उसमें कुछ लेन देन के हिसाब किया हुआ है, प्लस जो है कुछ कैंडिडेट्स के जो है इनको डिटेल मिल रहे थे, जैसे सी टेट एग्ज़ाम एक है उसका। तो शक के संदेह पर जब इनको पकड़ा गया और पूछताछ की गई है तो इनके द्वारा जो है एक बड़े पैमाने पर एक कार्य किया जा रहा है नौकरी के नाम पे पैसे लेने वाला, वो उसका उजागर हुआ है। इसमें जो पूरा तथ्य अभी तक सामने आया है कि ये तीन लड़के हैं, एक का नाम है सतीश, एक का नाम है विकास और अभिषेक तीसरा है। ये इनमें से दो लड़के नवादा के रहने वाले हैं, विकास और अभिषेक, और एक लड़का जो सतीश है ये नालंदा का रहने वाला है। ये तीनों एक दूसरे को पूर्व से परिचित हैं। इनमें से दो लड़के स्टूडेंट्स जिनका कोई एग्ज़ाम देना होता है उनको तलब करते हैं, उनको कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे अपना वार्तालाप करके उनको भोले भाले लोगों को जो है फंसाते हैं कि आपकी जगह किसी और को एग्ज़ाम में बैठा देंगे। और जो इनके पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया है कि 50,000 से लेके 1,00,000 तक भी इन्होंने लोगों से पैसे लिए हुए हैं। उसके बाद जिनकी शक्ल मिलती होती है, कुछ जो है वो ऐसा गलत काम करते हैं, कोई फ़ोटो लैब वाले या जो फ़ोटो जिनका दुकान होता है तो वो फ़ोटो मिक्सिंग करवाते हैं, उनकी फ़ोटो मिक्सिंग करवा के एडमिट कार्ड से छेड़खानी करके ये लोग जो है जो कैंडिडेट है उसकी जगह किसी और को बिठा रहे हैं, और उसकी वजह से जो है बाद में जो दूसरा कैंडिडेट है वो एग्ज़ाम दे रहा है। तो इसका इन्होंने एक पूरा जैसे डिटेल में एक ऑर्गेनाइज रैकेट चलता है, ये बड़े दक्ष तरीके से उस टाइप का एक रैकेट चला रहे थे। माननीय रिस्पेक्टेड SSP पटना सर द्वारा विस्तार से ऑलरेडी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, अभी तक जो भी अनुसंधान हुआ है सारा प्रेस और जो है मीडिया से शेयर किया गया है, जो भी छानबीन अभी तक हुई है या जो भी डेवलपमेंट्स हुए थे उनमें बेसिकली यही था कि अपहरण के संबंध में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था, एंड अभी भी जो है इसमें अपहरण से रिलेटेड या जो ये है यूज़ ऑफ फोर्स इत्यादि इस टाइप का कोई भी जो है साक्ष्य नहीं है और वैसा मामला नहीं प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जो जानकारी मिली है उनके परिवार वालों ने हाईकोर्ट में एक रिट भी दायर किया।
पुलिस अच्छे मॉनिटरिंग।